जब भी हम आधार कार्ड की वेबसाइट को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक पॉपअप आता है जिसमें हमको बताया जाता है कि आप अपने आधार कार्ड में अपने डेमोग्राफिक डिटेल को यानी अपनी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस को अपडेट कर लीजिए। इस अपडेट के ऊपर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि ये अपडेट क्या है और अपडेट को देखने के बाद हमको क्या करना है और किन लोगों को ये अपडेट काम आने वाला है। वेबसाइट को ओपन करते ही गवर्नमेंट ने इस इन्फॉर्मेशन को एक एड के रूप में दिया है। यहाँ पर लिखा है फ्री और नीचे लिखा है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड, यानी आप अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं। अब इससे क्या हमारे आधार कार्ड में कोई करेक्शन होगा हमारे नाम में, डेट ऑफ बर्थ में या एड्रेस में, या ये चीज कुछ और है? तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डॉक्यूमेंट अपलोड क्या है। हम सभी जानते हैं आधार कार्ड जब बनने शुरू हुए थे तो उस टाइम हमारे आधार कार्ड बिना डॉक्यूमेंट के बन जाता था। चाहे हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट हो या ना हो, हम अपने फिंगर लगाकर या अपने परिवार की किसी आईडी को ले जाकर अपना आधार कार्ड आसानी से बनवा लेते थे। लेकिन अब आधार कार्ड को बनवाने के लिए हमारे पास एक वैलिड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट। अब गवर्नमेंट ये अपडेट इसलिए लाई है क्योंकि जिन लोगों का पुराना आधार कार्ड पहले बना हुआ है तो उन्होंने आधार कार्ड को बनवाते टाइम कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिए थे, तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल फ्री में अपडेट कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल फ्री में अपने डॉक्यूमेंट को आधार कार्ड में अपलोड कर सकते हैं, जिससे उनका आधार कार्ड बिल्कुल सिक्योर रहेगा और पता रहेगा कि इस बंदे ने आधार कार्ड को बनवाने के लिए ये डॉक्यूमेंट दिए हैं। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देगी तो कोई भी बाहर का बंदा भी आधार कार्ड बनवा सकता है, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने ये अपडेट दिया है जिससे सभी लोग अपने वैलिड प्रूफ को अपडेट कर सके। इसीलिए गवर्नमेंट ने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड करने को अभी तक फ्री रखा है और फ्री की लास्ट डेट क्या है, 14 मार्च 2024। अगर आप 14 मार्च 2024 के बाद अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको फीस का पेमेंट करना होगा और हो सकता है ये सर्विस यहाँ से हट जाए और आपको आधार कार्ड जाना पड़े। तो बेहतर यह है आप ऑनलाइन घर बैठे अपने आधार कार्ड में अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लो, अगर आपका आधार कार्ड काफी पुराना बना हुआ है तो। आगे इस वीडियो में हम मेनली दो पॉइंट के बारे में बात करेंगे। पहला पॉइंट तो ये जानेंगे कि हमको आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत है या नहीं। दूसरा पॉइंट ये जानेंगे अगर हमको आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत है तो हमको किस तरीके से अपलोड करना है और कौन से डॉक्यूमेंट हमारे पास होने चाहिए। तो हम आधार कार्ड की वेबसाइट में तो आ ही चुकी है, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आने के बाद आपको माई आधार वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पर मिलेगा आपको डॉक्यूमेंट अपडेट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद लॉगिन वाला सेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है, कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन विद ओटीपी पर क्लिक करना है। अब हो सकता है आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट ना हो या आपका नंबर बंद हो, तो इस काम को आपको आधार सेंटर जाकर कराना होगा। हमारे आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट है तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरीके से पेज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को भी चेक कर सकते हैं और इधर यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। यहीं से आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, पीवीसी आधार कार्ड को मंगा सकते हैं और आप अपनी बायोमेट्रिक को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं। हम यहां पर पहले नीचे आ जाते हैं। नीचे आ जाने के बाद आपको वो सब डिटेल मिलती है जो आप आधार कार्ड में अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट डालते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपडेट वाला, यानी मैं अपने आधार कार्ड में पहले ही डॉक्यूमेंट को अपडेट कर चुका हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि इस टॉपिक पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, तो जब मैंने वो वीडियो बनाई थी तभी मैंने अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया था। ये हमारा एसआरएन नंबर है, हमारी डेट है कब मैंने यहां पर अपडेट किया है और यहां पर हमारा अपडेट जो है कम्प्लीट भी हो चुका है। इसका स्टेटस आप इसी पर जाकर यहाँ पर देख सकते हैं। जब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट को अपडेट करते हैं तो यहीं पर आपको एक स्लिप मिलती है जिसको एक्नोलेजमेंट स्लिप बोलते हैं। इस स्लिप को अभी आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप कुछ इस तरीके से स्लिप मिलते हैं। यहाँ पर आपका आधार नंबर आ जाएगा, एसआरएन नंबर आ जाएगा, इनवॉइस नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आप फीस देख सकते हैं। ₹0 में अपने आधार कार्ड में हमने डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है और नीचे सभी आपको डिटेल देखने के लिए मिल जाएगी। अब आपको कैसे अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना है कि हमको ये कैसे पता करना है कि हमारे आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की नीड है या नहीं। तो जब भी यहाँ पर आप पोर्टल में लॉगिन होंगे तो यहाँ पर आपके सामने रेड पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जरूरत है। मेरे केस में यहाँ पर नहीं आ रहा है क्योंकि मैं पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ
हो सकता है आपका आधार कार्ड 5 साल, 10 साल या 15 साल पुराना हो और आपको फिर भी यहाँ पर कोई पॉपअप देखने के लिए ना मिले, तो फिर भी आप डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में हो जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 10 बार आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड एक बार कर दिया है, अगर मैं दोबारा चाहता हूँ तो दोबारा भी यहाँ पर कर सकता हूँ। अब आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर जाना है डॉक्यूमेंट अपडेट वाले सेक्शन में। इस पर जाने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से आपका आधार कार्ड यहाँ पर पूरी तरीके से वैलिड माना जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ है। और यहाँ पर देख सकते हैं फीस के बारे में भी दिखाया गया है। यहाँ पर आपको 0 रुपए में आपका आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोबारा से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने आधार कार्ड की हमारी सभी डिटेल्स आ जाएगी, नाम आ जाएगा, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और प्रॉपर एड्रेस। डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से आपके आधार कार्ड में कोई भी चेंज नहीं होगा, और जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड करते हैं उनमें सेम वही डिटेल होनी चाहिए जो आपके आधार कार्ड में फिलहाल के टाइम में है। हम यहाँ पर नीचे आई वेरीफाई दैट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमको डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर हमको 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, एक है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान का प्रमाण, और दूसरा है हमारा प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी एड्रेस प्रूफ, आपका जो भी हो, पते का प्रूफ जो भी हो, वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड करते हैं दोस्तों, उसका साइज 2 MB से कम होना चाहिए, और डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट आपका JPG, PNG या PDF किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आपके नाम का प्रूफ आपके पास क्या है, तो वो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। इसमें से अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट है तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे आपके पास पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेंगे। उसी तरीके से नीचे दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास प्रूफ ऑफ एड्रेस। यहाँ पर भी आपके सामने बहुत सारी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आ जाएगी, जो भी आप चाहें एक कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे हमने वोटर कार्ड सिलेक्ट किया है, ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने फीस का ऑप्शन नहीं आएगा, डायरेक्ट सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट पर क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगी, जैसे मैंने आपको अभी दिखाई है। स्लिप मिल जाने के बाद आपके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट 7 से 15 दिन में हो जाएंगे। इसके बाद आपको कोई भी नया आधार कार्ड नहीं निकलवाना है, ना ही आपको नया आधार कार्ड डाउनलोड करना है। आपको जो पुराना आधार कार्ड जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, केवल आपको अपने आधार कार्ड में आइडेंटिटी देने के लिए डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। तो अगर आपका या आपके परिवार का किसी का भी आधार कार्ड काफी पुराना बना हुआ है तो उसमें डॉक्यूमेंट को अपलोड जरूर करा ले, और इस वीडियो को आप लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, जिससे सभी लोग जागरूक हो सके और अपने आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।